हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसके मुझसे आप लोगों ने बोला है पढ़ाने के लिए कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। सो लीजिए, मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, मैं आज आपको पीआरए पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल बोलिए, चाहे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच बोलिए। सो स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखिए, ये जो पीआरए है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या बोल लीजिए एक ऐसा अप्रोच है जो कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ जो होती हैं, गैर सरकारी संगठन जिन्हें बोलते हैं, इसके अलावा और जो डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसीज और एनजीओ वो होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल प्राइवेट होते हैं, इनका फाइनेंस वगैरह सब प्राइवेट होता है, बट ये गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। मतलब जो एनजीओ होते हैं ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इन अंडर ये गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी काम ये करते हैं तो गवर्नमेंट के अंडर रह करके करते हैं, गवर्नमेंट के बाहर जा करके नहीं करते, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह सब होता है वो प्राइवेट होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो जो पीआरए है, पीआरए जो प्रोसेस है या जो अप्रोच है, ये एनजीओस का और जो भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं इनका एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यहाँ ये यूज़ करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ करते हैं, रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं, और उन रूरल एरियाज़ में जो भी डेवलपमेंट टास्क ये करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ये जो एनजीओस हैं, बॉडीज़ हैं, इस टाइप की प्राइवेट बॉडीज़ हैं, तो अगर ये कोई भी ऐसा काम वहाँ पे करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये उसमें ग्रामीण लोगों का को शामिल करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनके ज्ञान को सम्मिलित करना पीआरए कहलाता है। मतलब आपकी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पीआरए एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अप्रोच है स्टूडेंट्स, जिसमें एनजीओस के द्वारा और जो आपके नॉर्मल पर्सनल सॉरी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, इनके द्वारा जो आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो डेवलपमेंट किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उन डेवलपमेंट में, उन प्रोजेक्ट में, उन कार्यक्रमों में वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों की सहभागिता होनी ज़रूरी होती है। उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनकी नॉलेज लेते हैं, उनकी आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? अब हम थोड़ा सा बुकिश पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल इज़ एन अप्रोच यूज्ड बाय एनजीओस एंड अदर एजेंसीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पीआरए क्या है? एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा अप्रोच है यूज्ड बाय एनजीओस, जिसका यूज़ करते हैं एनजीओस करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, गैर सरकारी संगठन करते हैं, एंड अदर एजेंसीज करती हैं और दूसरी एजेंसीज करती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विकास में वो इन्वॉल्व होती हैं एनजीओस और जो आपके प्राइवेट बॉडीज़ हैं, एजेंसीज हैं। द अप्रोच एम, इस अप्रोच का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? टू इनकॉर्पोरेट the knowledge and opinions of rural people in the planning and management of development projects and program. इस approach का PRA का जो aim है, उद्देश्य है, वो यही होता है students की जहाँ भी हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं रूरल एरियाज़ में, अगर हम कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों की राय लेना, उनका ज्ञान उसमें इन्वॉल्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं एक एनजीओ बॉडी हूँ, मेरा अपना संगठन है और मैं एक गाँव में गई हूँ और वहाँ पर मैं एक लाइब्रेरी सेट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे ही जाके लाइब्रेरी सेट कर दूंगी वहाँ पर? मैं जहाँ पे गांव में जा रही हूँ, जिस भी रूरल एरियाज़ में जा रही हूँ लाइब्रेरी सेट करना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ के लोगों से उनके ओपिनियंस लूँगी कि नहीं लूँगी? बिल्कुल लेंगे। यही पीआरए वर्कर्स का भी काम होता है, पीआरए वर्कर्स का एम ही यही होता है कि अगर जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हम अगर उन ग्रामीणों के लिए करने जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में उनका भी सहभागिता हो, उनका भी मतलब वो भी उसमें शामिल हो, उनकी भी राय उसमें रखी जाए, उनके भी आइडियाज़ रखे जाएं, उनके भी तर्क वितर्क रखे जाएं, उनकी भी नॉलेज ली जाए कि वो उस बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो क्या समझते हैं कि हाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, या कैसी लाइब्रेरी बननी चाहिए। तो ये सब जो है
पीआरए कैलेंडर होता है, इसे पीआरए बोलते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे टू डेफिनेशंस है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, कोई पर्टिकुलर किसी राइटर की डेफिनेशन नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन है, इसलिए आपको बता रही हूँ। पीआरए इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन द एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूरल सिचुएशन। पीआरए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है, लोकल पीपल्स को। जहाँ भी हम वो करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, वहाँ के लोकल पीपल्स को सम्मिलित किया जाता है। क्यों किया जाता है? द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूरल सिचुएशन, वो उस जगह की सिचुएशंस को जानने के लिए, उस जगह के सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, कि भाई यहाँ की सिचुएशन कैसी है। अब मैं लाइब्रेरी बनाने जा रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जहाँ मैं लाइब्रेरी बनाने जा रही हूँ वहाँ मैं ये देखूँगी कि नहीं देखूँगी कि उस गांव में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, वरना लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा है, है ना। अगर हम किसी गांव में लाइब्रेरी सेटअप करने जा रहे हैं तो पहले तो मैं ये डेटा कलेक्ट करूँगी कि भाई कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, फिर उसमें से किस किस की क्या क्वालिफिकेशन है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, तभी तो लाइब्रेरी उनके लिए यूज़फुल होगी। तो यही चीज़ पीआरए के वर्कर्स भी करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है, पीआरए इज़ अ सेट ऑफ इनफॉर्मल टेक्निक। पीआरए क्या है? एक इनफॉर्मल टेक्निक का सेट है। इनफॉर्मल टेक्निक मतलब अनौपचारिक तकनीकी का एक सेट है, ठीक है। एक देखिए फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन सॉरी एजुकेशन जो होती है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में मिलती है कि नहीं यही नियम है, इतने क्लास होंगे, इतने बजे के क्लास होंगे, जो शिक्षा हमें विद्यालय के अंदर मिलती है, स्कूल्स के अंदर मिलती है, उसे फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। जो एजुकेशन हम बाहर किसी और थ्रू किसी और रास्ते से लेते हैं, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, पीआरए है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो पीआरए क्या है? इज अ सेट ऑफ इनफॉर्मल टेक्निक्स है, यूज्ड किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, जो भी आपके पीआरए के डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके थ्रू यूज़ किया जाता है। इन रूरल एरियाज़ कहाँ यूज़ किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, क्या कलेक्ट करने के लिए और क्या देखने के लिए? डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स डेटा होता है इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारियों का भंडार, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं एक गांव में सर्वे करने के लिए गई हूँ तो मुझसे मेरे सीनियर ने बोला है जाओ गांव में जाके सर्वे करो, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लाओ। कैसा डेटा कलेक्ट करके लाओ? देख कर आओ वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं क्या करूँगी? मैं गांव में जाऊँगी तो डेटा कलेक्ट करूँगी, वहाँ पर ये देखूँगी कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितने औरतों पर कितनी पुरुष हैं, कितने पुरुषों पर कितनी औरतें हैं। ये सब डेटा जो होता है इसे ही आप डेटा बोलते हैं, ठीक है। इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लाए और फिर आपने उसको एनालाइज़ किया, आपने उसको देखा। तो ये पीआरए के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा हिंदी में भी है। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन, पीआरए गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विकास में शामिल। कौन किस में? एनजीओस में और जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उसमें शामिल। अन्य एजेंसियों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है। क्या है? यूज़ किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य क्या होता है? इस पीआरए को दृष्टिकोण बोल रहे हैं। दृष्टिकोण का लक्ष्य होता है विकास और परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नियोजन और प्रबंधन में ग्रामीण लोगों के ज्ञान और राय को शामिल करना। वही बात है, अगर कोई डेवलपमेंट योजना आपने बनाई है, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है जिसे आप गाँव में करना चाह रहे हैं, तो गाँव के लोगों का भी ज्ञान लीजिए, उसमें सम्मिलित कीजिए, या क्या उनकी राय है, क्या वो सोचते हैं उसके बारे में, वो भी आप उसमें शामिल कीजिए पीआरए वर्कर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं पीआरए के स्टूडेंट्स। इन 1983 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, एक फेलो थे रॉबर्ट चैम्बर्स। आप ये अगर आपसे कभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट चैम्बर्स हैं पीआरए के दाता, ठीक है। रॉबर्ट चैम्बर्स ने ग्रामीण लोगों से सीखने के लिए, सीखने के उलट के बारे में, वो ग्रामीण लोगों से सीखने का उन्होंने क्या एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, सीखने के उलट के बारे में तकनीक का वर्णन करने के लिए तेजी से ग्रामीण मूल्यांकन RRA रैपिड रूरल अप्रेजर को बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? RRA बनाया, रैपिड रूरल अप्रेजर, उसे RRA बोलते थे।
ठीक है, टू डिस्क्राइब टेक्निक्स दैट कुड ब्रिंग अबाउट अ रिवर्सल ऑफ लर्निंग, जिसमें क्या सिखाया जाता था, सीखने के उलट सिखाया जाता था। टू ईयर्स के बाद, दो साल के बाद, जब आरआरए से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थाईलैंड में किया गया, तो वहाँ उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछा गया आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उसमें ये नतीजे निकल के आए। इसके बाद उन तरीकों के उपयोग की तेज़ी से स्वीकृति हुई। किन तरीकों की तेज़ी से स्वीकार किए गए, कौन से तरीके स्वीकार किए गए, कि कौन से तरीके यूज़ किए जाएंगे, सबसे पहला जो ग्रामीण लोगों को अपनी समस्याओं को जांच करने में हेल्प कर सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो देख सकें, जांच कर सकें। दूसरा, अपने गोल को स्थापित कर सकें, अपने लक्ष्य को स्थापित कर सकें। तीसरा, अपनी अचीवमेंट की निगरानी में शामिल थे, मतलब अपनी अचीवमेंट्स को भी वो लोग देख सकते हैं कि हमें क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। ये तीन चीज़ों पर मेन फोकस आया जब आरआरए पर उन्होंने कॉन्सेप्ट काम किया, आरआरए कॉन्सेप्ट को। उसके बाद स्टूडेंट्स, 1990 के दशक के मध्य में आरआरए को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, पीआरए बना दिया गया, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल बना दिया गया एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन पीएलए में कन्वर्ट कर दिया गया। पीआरए पीएलए दोनों एक ही चीज़ है, आरआरए था पहले, फिर इसको पीआरए में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई हिस्ट्री थोड़ी सी। देन प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पीआरए। सबसे पहला है रिवर्सल ऑफ लर्निंग, सीखने के उलट, ठीक है। फिर लर्निंग रैपिडली एंड प्रोग्रेसिवली, ऑफसेटिंग बायस, ऑप्टिमाइजिंग ट्रेड ऑफ, देन ट्रायंगुलेशन, मैं आगे हिंदी में समझाऊंगी, ट्रायंगुलेटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए, ठीक है। वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ये एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए हैं। सबसे पहला है एम्पावरमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति को पीआरए का जो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो ये है अपने पैरों पे खड़ा करना, एम्पावर करना, सशक्त करना। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्त करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के पैरों पे खड़ा करना ताकि वो अपना कोई भी कार्य कर सके। टू अचीव अ लोकल पीपल थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उस व्यक्ति का विकेंद्रीकरण करना और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। एम्पावर का मतलब ही यही होता है, सशक्त बनाना, किसी भी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो। सेकेंड है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस, मतलब उसको स्वयं से करने देना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से सीखने देना। ये नहीं कि हमने उनको पकी पकाई खिचड़ी दे दी और उन्होंने तुरंत उसको देख लिया कि हाँ भाई ये तो ऐसे ऐसे ऐसे, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेल्फ से करने दीजिए, क्योंकि मिस्टेक्स आर लेसन टू लर्न एंड टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। गलतियाँ क्या होती हैं, व्यक्ति को सुधारती हैं, एक पाठ पढ़ाती हैं और उसको बेटर करती हैं नेक्स्ट टाइम, कि वो गलती उससे ना हो। ये तो नॉर्मल जीवन में भी है, जब आप कोई काम खुद से करते हैं, आपसे गलती होती है, फिर आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते हैं, आप उससे सीखते हैं और वो गलती आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीणों में भी क्या करना है, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, उनके सेल्फ को जगाना है, स्वयं से उन्हें काम करने देना है। नेक्स्ट है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दीजिए। कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो उस कार्यक्रम में उनको कुछ जिम्मेदारियाँ भी दीजिए। ये नहीं सारी जिम्मेदारी वर्कर्स ने ही ले रखी है पीआरए के, नहीं, उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकें, ठीक है, जिम्मेदार बन सकें। देन शेयरिंग टू डिस्कस एंड एग्री अबाउट आइडियाज़ इन ओपन फोरम विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और ये उनके अंदर भावना जगाइए कि वो अपनी सारी बातों को जो है ग्रामीण लोग आपसे आके शेयर कर सकें, जो भी पीआरए होल्डर्स हैं, पीआरए वर्कर्स हैं, उनसे आके अपनी बातों को शेयर कर सकें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके, ठीक है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीआरए। ट्रायंगुलेशन स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं त्रिभुजांकन। क्रॉस चेकिंग, मतलब जो पीआरए में अगर कोई बात है, पीआरए का जो डेटा है वो तीन बार क्रॉस चेक किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्रॉस चेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें त्रुटियों को कम से कम करने के लिए और बीच में संशोधन करने के लिए, आप बीच में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। इसके लिए जो है पीआरए का इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो है ट्रायंगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। सेकंड है ऑप्टिमाइजिंग ट्रेड ऑफ, इसे कहते हैं अनुकूलतम अनभिज्ञता। लागत व समय को कम करने के लिए पीआरए के मददगारों के लिए, पीआरए के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत सरल सिद्धांत है, ऑप्टिमाइजिंग ट्रेड ऑफ। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब यह है कि जो बात केवल जानने योग्य है उसी को जानिए और उतना जानिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त हो। मतलब जो बात आपको जाननी है, अगर आप लाइब्रेरी सेट करने जा रहे हैं तो लाइब्रेरी से रिलेटेड बातें जानी है, ठीक है। ये नहीं आप दुनिया भर की तमाम जानकारी लेने बैठ गए, ऐसा मत कीजिए। जो बात आपको लग रही है कि हाँ
हाँ यही बात हमें पूछनी चाहिए वही बात पूछिए और अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट है ऑफसेटिंग बायस। ऑफसेटिंग बायस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई रणनीति कोई प्रोग्राम शुरू से चला आ रहा है तो जो पीआरए के वर्कर्स हैं उनको उसी पे कैरी नहीं करना चाहिए बल्कि नए प्रोग्राम्स नए मेथड्स अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो उसका यूज़ करें, ये नहीं जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसी को आगे कंटिन्यू करे पड़े हैं। नेक्स्ट है लर्निंग रैपिडली एंड प्रोग्रेसिवली, सीखने की क्षमता को बहुत तेज करिए, उनको सिखाइए, उनको तेज़ी से सिखाइए, प्रोग्रेसिव सिखाइए और जो भी फ्लेक्सिबल मेथड आपको लगता है कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीडियो के थ्रू जो है रूरल पर्सन्स को आप जल्दी सिखा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को आप कोई चीज़ करके दिखाइए, ठीक है, तो वो जल्दी सीखते हैं, बजाय आप उनको चिट्ठी पत्ता दीजिए वो उससे नहीं सीखते हैं, आप उसको कोई चीज़ करके दिखाइए वो उनसे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। एंड रिवर्सल ऑफ लर्निंग जो कि सबसे पहला ही सिद्धांत है, क्या सीखने के उलट, टू लर्न द लोकल पीपल, लोकल पीपल्स को लर्न कराइए उनको सिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्या है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ पीआरए, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन पीआरए, पीआरए में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, आप इन्हें मेथड्स भी बोल सकते हैं, क्या क्या तकनीकी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। देखिए डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट जाकर के आप किसी से बात कीजिए कॉन्टैक्ट कीजिए और ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और आपके रैंकिंग है, रैंकिंग स्कोरिंग मतलब आपने कोई काम करने के लिए दे दिया उसमें आपने रैंक कर दी कि भाई नंबर वन रैंक इसकी है ये काम करेगा, नंबर टू रैंक ये है इस पर ये आदमी काम करेगा, नंबर थ्री रैंक इस चीज़ की है इस पर ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेली एक्टिविटी चार्ट बनवाइए उनको, डेली एक्टिविटी आप चार्ट बना के उन्हें दीजिए डेली एक्टिविटी करने के लिए, या उनसे कहिए कि वो कुछ करके लाएँ। तो इसके अलावा डिस्कशन कीजिए, वेन डायग्राम बनाइए, उनके इंटरव्यूज़ लीजिए, इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ लीजिए, ग्रुप में बुला करके इंटरव्यूज़ लीजिए, उनकी मीटिंग कराइए, कम्युनिटी में एक मीटिंग कराइए, उनके विचार लीजिए, उनके ज्ञान को जानिए क्या क्या वो सोचते हैं, उनके राय परामर्श लीजिए, ठीक है। इसके बाद देयर आर सेवन टेक्निक्स ऑफ पीआरए, पीआरए की सेवन टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आपके सेकेंडरी डाटा रिव्यू। जो पीआरए पर्सन है वो सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकता है, डेटा मैंने आपको समझाया क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ अ टू टाइप ऑफ डेटा, देखिए प्राइमरी डेटा होता है एंड सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है स्टूडेंट्स जो हम जो एक पर्सन खुद बनाता है, ठीक है, खुद वो अपने डेटा को कलेक्ट करता है बनाता है, जैसे मैं किसी गांव में गई सर्वे करने के लिए तो मैंने खुद जा के घर का दरवाज़ा बजा बजा के लोगों से पूछा कि भाई कितने पुरुष हैं कितनी महिला हैं कितने पढ़े लिखे हो क्या खाते हो क्या पीते हो, ये मेरा पर्सनल डेटा हुआ, ठीक है, प्राइमरी डेटा हुआ। सेकेंडरी डेटा वो होता है स्टूडेंट्स जो पहले से ही उस चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़ हो गई, आर्टिकल्स हो गई, मान लो कोई बुक छपी हो उस गाँव के ऊपर या कोई आर्टिकल निकला हो उस गाँव से रिलेटेड कि भाई हाँ ये विलेज में ऐसा स्टेटस है ऐसा काम होता है ऐसे बाढ़ आ जाती है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, वहाँ से हम उस गांव से रिलेटेड जानकारी लेते हैं, उस विलेज से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। और एक वो होता है डेटा जो हम स्वयं कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कीजिए, लोगों के पास जाइए पर्सनल, उनसे मीटिंग कीजिए, उनके फैमिली से मीटिंग कीजिए और देखिए कि क्या उनका सोचने का शक्ति है, क्या वो सोचते हैं क्या वो समझते हैं, क्या वो डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है डायग्राम, उन्हें डायग्राम्स के थ्रू समझाइए, बढ़िया कोई डायग्राम बनाइए, बढ़िया कोई विजुअल एड यूज़ कीजिए जिससे वो जल्दी समझ सकें, वर्कशॉप्स कराइए, बाहर के लोगों को भी बुलवाइए, कोई बढ़िया वर्कशॉप लगाइए उनको सबको बुलाइए, कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम कर दीजिए, तो वो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बात को समझेंगे सुनेंगे। कोई स्टोरीज़ बना के सुनाइए, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज़ बनाइए कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, तो वो समझेंगे। गेम्स कराइए उन्हें, इसके अलावा इंटरव्यूज़ लीजिए, इंटरव्यूज़ मतलब पर्सनल इंटरव्यू लीजिए, आप ग्रुप में बैठा के इंटरव्यू लीजिए, कम्युनिटी में जाके मीटिंग्स करवाइए, ठीक है। तो ये पीआरए टेक्निक्स हैं जो मैंने थोड़ी डिस्क्राइब कर दी हैं। देखिए सेकेंडरी डेटा रिव्यू में बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली है या पार्टिसिपेंट्स कराइए, आप किसी कोई गेम कराइए उसे पार्टिसिपेंट कराइए, उनका फिर आप ऑब्जर्व करिए हर एक आदमी के क्या गतिविधियाँ हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ लीजिए, पर्सनल लीजिए, ग्रुप में लीजिए, कम्युनिटी मीटिंग कराइए, गेम्स कराइए जिसमें आप उनको रैंक दे दीजिए कि भाई तुम फर्स्ट रैंक आइए, तुम्हारी सेकंड रैंक आइए, तो उन्हें लगता है नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो पीआरए वर्कर है वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है रूरल्स की, जिससे कि वो पार्टिसिपेंट करें, उनकी सहभागिता आए किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो खुद चाहें कि नहीं
नहीं भाई, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे गांव में हो और हम इसमें बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, ठीक है। डायग्राम्स बनवाइए, रैंकिंग दीजिए, मैप बनवाइए, चार्ट्स बनवाइए, फ्लो डायग्राम करवाइए, वर्कशॉप करवाइए, उसमें लोकल लोगों को भी बुलाइए, आउटसाइडर्स जो हैं बाहर के हैं उन्हें भी बुलाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो PRA के वर्कर्स यूज़ कर सकते हैं ग्रामीणों के किसके लिए, ताकि वो अपनी सहभागिता दें। हम सहभागिता ही तो पढ़ रहे हैं, ताकि वो अपना सपोर्ट दें, अपना आकर के सहभागिता दें कि हाँ भाई हम भी ये काम करेंगे, अपनी राय दें, अपनी नॉलेज दें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वेयर इट इज़ अप्लाई। अब PRA अप्लाई कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, PRA हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, जैसे कि सॉइल मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, एनिमल प्रिजर्वेशन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके मैनेजमेंट में PRA का यूज़ किया जा सकता है। आप लोगों को बुलाइए, सिखाइए कि भाई ऐसे पानी की बर्बादी मत करो, ऐसे गंदे कपड़े मत धुलो, उसमें ऐसे नाला नाली मत खोल दो पानी में, ये पानी से बीमारियां हो रही हैं, मिट्टी को बचाओ, ऐसे पेड़ मत उखाड़ के फेंक दो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ लगाओ, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी बर्बाद नहीं होगी, फर्टाइल मिट्टी ख़त्म हो रही है, ठीक है। फॉरेस्ट बताओ उनको, एनिमल्स के बारे में बताओ, हर चीज़ की जानकारी दो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी दो, कृषि कैसे उत्पादित की जा सकती है, कृषि में कौन कौन से टूल्स यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक। पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी को कैसे उन्मूल किया जा सकता है। देखो, जो पॉवर्टी बनने का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हमारी जो 80% विलेजर्स हैं उनकी ये सोच होती है कि जितने हमारे घर में बच्चे पैदा होंगे, पॉपुलेशन बढ़ने का बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी, गरीबी। उन्हें ये लगता है जितने हमारे घर में बच्चे पैदा होंगे उतने काम करने वाले होंगे, उतना सब काम करेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि पहले उनको पालना पोसना भी तो है, उनको एजुकेशन भी तो देनी है। इस चक्कर में क्या होता है, चाइल्ड डेथ रेट होती है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, खाना पीना नहीं दे पाते हैं और जनसंख्या भी बढ़ती चली जाती है। तो ये शिक्षा भी उन्हें दो, सोशल प्रोग्राम्स करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ में जाकर, जहाँ जहाँ PRA अप्लाइड होता है, हेल्थ में अप्लाइड होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी जो बहुत ज़रूरी है, भोजन का संरक्षण, उसमें ये अप्लाई होता है। वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला तो वैसे भी बहुत सशक्त है लेकिन कुछ समाज में जो है महिला का कोई सम है नहीं, तो उसको सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है, वहाँ पे PRA अप्लाई होता है। इसके अलावा विलेज टू ब्लॉक एंड ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, ये तो लेवल ही है, सबसे पहले छोटी इकाई विलेज है, फिर विलेज से ऊपर जाते हैं, फिर ब्लॉक है, ब्लॉक से ऊपर जाते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाते हैं, स्टेट है, फिर स्टेट से मिलके बनता है, बहुत सारे स्टेट से मिलके बनता है, नेशंस, ठीक है। तो इन लेवल्स पर भी जो है PRA अप्लाई होता है। PRA पॉवर्टी सॉरी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच, ये कहाँ का अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जाता है, इन इन क्षेत्रों में लागू होता है स्टूडेंट्स। तो रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपके PRA के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, मैंने कोशिश तो बहुत करी है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ, आपको हर चीज़ समझा सकूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स करके कैसा लगा है टॉपिक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मुझे आप बताते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप इट अप।